Hi, I am Vaidya Sonal. I am an Ayurvedic physician and I have been practicing for the last 12 years. क्या आप आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड हैं? अगर हेल्थ से रिलेटेड, डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत रखने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारे शरीर में क्या चेंजेस होते हैं जब हम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, नवरात्रि आ रही हैं, कल से स्टार्ट हैं। तो नवरात्रि साल में दो बार आती हैं। ये जो नवरात्रि है ये शरद ऋतु में पड़ रहे हैं। इस टाइम पर क्या है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। तो व्रत करने से, क्योंकि नवरात्रि में बेसिकली व्रत किया जाता है, व्रत के दौरान हम लोग नॉन वेज, अल्कोहल या बाहर का खाना, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, ये सब बंद कर देते हैं, व्रत करते हैं। तो इस दौरान हमने क्या करा, इन सारे भोजनों को बंद करके अपने शरीर को फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचा लिया। क्योंकि बेसिकली ये सभी तो कारण हैं उन बीमारियों के, जो हमें अगर हम इनका सेवन करेंगे तो हमें आगे चलकर हो सकती हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जो व्रत करने से हमें मिलती है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी बीमारी को अगर रोकना हो तो सबसे पहले उसके निदान को ख़त्म कर दीजिए। इसके अलावा व्रत करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है, आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि व्रत करने से क्या होता है, आप अपने शरीर को आराम देते हो, अपने ऑर्गन्स को, आपके सिस्टम, जो पाचन संस्थान है, लिवर है, उन सबको रेस्ट मिलता है। तो ये क्या होता, इससे क्या होता है, आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैले पदार्थ हैं, वो शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर में कहा जा सकता है कि शरीर की शुद्धि है। तो व्रत करने से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं, आपको सेहत से रिलेटेड भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो ये विषैले पदार्थ होते हैं ये भी आगे चलकर बीमारियों के कारण बनते हैं। तो इनको भी शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपके व्रत करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि देखिए, व्रत करने से क्या होता है, जो पुराने सेल्स होते हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं और जो न्यू इम्यून सेल्स होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, आपको अच्छी नींद लेकर आता है। क्योंकि व्रत से एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपकी नींद लाने में हेल्प करता है। व्रत करने से आपकी व्रत करना आपकी मेंटल वेलनेस, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि व्रत से आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो बहुत अच्छे से काम करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, प्लस आप ज़्यादा काम फील करते हैं। व्रत करने से आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, एक रिसर्च से पता चला है, वो ख़त्म होती है। और उस वो इन्फ्लेमेशन कारण होती है बहुत सारी बीमारी की, जैसे कि आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर आपकी दूसरी बीमारियां हैं जो इन्फ्लेमेशन के कारण, कई कैंसर्स भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। तो ये जब आप व्रत करते हो तो इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाले जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, ये उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये हमारे बॉडी से जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। व्रत से हमें ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि किन मनुष्य को, किन व्यक्तियों को व्रत करना चाहिए। देखिए, जो आयुर्वेद में कहा गया है, जो स्निग्ध हैं, मतलब जो मोटे हैं, प्रमेह रोगी, डायबिटिक हैं, नेत्र रोगी, कंठ रोगी, अति स्निग्ध, विद्रधि, गुल्म, स्किन प्रॉब्लम्स, इन सभी को व्रत करने से बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि व्रत करना, मतलब व्रत से क्या होता है, शरीर में रूक्षता आती है, और व्रत या उपवास है ना। इसके अलावा जो आपकी ये बीमारियाँ मैंने बताई, इसमें क्या है, ये सभी आपके कफ की वृद्धि की वजह से हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर अपोजिट है, कफ बढ़ा हुआ है इन बीमारियों में, और लंघन यानी उपवास जो है वो रूक्षता लेकर आएगा। तो यहाँ पर अपने आप ही व्रत करने से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प होगी। प्लस कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि PCOD है, ओबेसिटी है, या फिर आपका जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं, इसके अलावा एक्ने है, पिंपल्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनमें आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप व्रत करते हैं। क्योंकि ये सब भी क्या हैं, ये सब भी कफ की वृद्धि वाले रोग हैं, बीमारियां हैं। और व्रत से आपका क्या है, शरीर में रूक्षता आ रही है और बाकी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, राइट, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो ये ओवरऑल आपको बहुत हेल्प करता है, फास्टिंग करना, व्रत करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
तो इसको आप ज़रूर करें, लेकिन दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस में आपको इसको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो अगर करना चाहते हैं तो उनको अपनी ब्लड शुगर लेवल का ध्यान रख के व्रत करना चाहिए, है ना। एकदम से ऊपर या नीचे उनका जो शुगर लेवल है वो नहीं चले जाना चाहिए, तो अपना उस तरह से उनको अपने डाइट का या कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनको खाते रहना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए क्या है, उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो उनको अवॉइड करना चाहिए फास्ट करना। अदरवाइज कहा गया है कि व्रत करना सभी के लिए लाभदायक है, स्पेशली अब इसके आगे आने वाली है शिशिर ऋतु, उसमें आयुर्वेद में कहा गया है सभी को व्रत करना चाहिए, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है व्रत करना। लास्टली मैं आपको एक दो टिप्स देती हूँ जो व्रत के दौरान आप अपनाइए और इसके फायदों को और ज़्यादा बढ़ा लीजिए। देखिए, व्रत के दौरान जिस दिन आपका व्रत हो सुबह उठकर सबसे पहली जो डाइट लें, आप फ्रूट लें, कोई भी सीजनल फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। जब आप पूरी रात सोते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मंद हो जाता है, मतलब अग्नि जो होती है आपकी मंद हो जाती है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे और फ्रूट लेंगे, फ्रूट आपके उस मेटाबॉलिज्म को एक तरह से बढ़ाने का काम करेगा, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। इसके बाद जो मिड डे होगा दिन के टाइम पर, आप लेमन हनी वाटर लीजिए, ये एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है। जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग फास्टिंग आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं ये उस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, और दूसरा इससे आपको एनर्जी मिलेगी जो व्रत के टाइम पर आपकी डाउन हो जाती है ये आपको, प्लस डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, आपको हाइड्रेट करके रखेगा। तो लेमन हनी वाटर लेना बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है व्रत के दौरान अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। और लास्टली आपको जितने भी फ्राइड, ऑयली या बाहर के खाने से ड्यूरिंग फास्टिंग बचना चाहिए, और इस फास्ट को अपनी सेहत के लिए यूज़ करिए, अपने आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी सेहत के को लेकर भी लाभ उठाइए। और लास्टली यही बस बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।